बचे हुए टाइम में सीए इंटरमीडिएट कॉस्टिंग में 70+ मार्क्स लाना बहुत आसान बन जाएगा अगर आप लोगों ने मेरे ये 10 पॉइंट्स को अच्छी तरीके से फॉलो कर लिया तो। लास्ट मोमेंट 70+ स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जो कि मैं बोल रहा हूँ अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से फॉलो कर लिया ना, जो मैं बोल रहा हूँ उस प्रकार से फॉलो कर लिया ना, तो श्योर शॉर्ट 70+ मार्क्स आपके आ रहे हैं सर, कहीं नहीं गए आपके 70+ मार्क्स कहीं भी नहीं गए। तो 10 पॉइंट है, बहुत अच्छी तरीके से उसको फॉलो कर लेना, बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। वीडियो को लाइक कर देना, अपना अटेंडेंस लगा देना और कमेंट में मेरे को बता देना कि दूसरा कौन से सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए, इसके बाद नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए। ठीक है सर, फटाफट से अटेंडेंस मारो, लाइक लगाओ और मेरी बात को सुनो। सबसे पहली मेरी बात यह है कि वन स्टॉप सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स है ICAI मॉड्यूल के क्वेश्चंस, जो कि आप मिस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जितने भी आपके स्कैनर है ना, सबको बाजू रखो, क्वेश्चन बैंक है ना, सब बाजू रखो, सब मोह माया है। मैं बोल रहा हूं आज आप कितनी भी मेहनत कर लो अपने बड़े बड़े स्कैनर्स पे, अपने मोटे मोटे क्वेश्चन बैंक्स पे, डेढ़ दिन में आपकी जो हालत खराब होगी ना सर, रोना भी नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ इज्जत से। ICAI मॉड्यूल के क्वेश्चन, ICAI मॉड्यूल के क्वेश्चन, ICAI मॉड्यूल के क्वेश्चन, देखो CA एग्जाम को क्रैक करने का सिंपल सादा फंडा मैं आपको बताऊं, लिमिटेड क्वेश्चन को बार 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 करोगे ना तो आसानी से आप लोग सीए एग्जाम्स क्लियर कर रहे हो, लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस को एक बार करोगे ना तो भूल जाना कि आप सीए एग्जाम्स क्लियर कर पाओगे। ब्रूसली क्या बोल रहा था, मेरे को उस बंदे से डर नहीं लगता है जिसको 10,000 किक आती है, मेरे को उस बंदे से डर लगता है जिसने एक किक को 10,000 टाइम्स प्रैक्टिस किया है। तो ICAI मॉड्यूल को बार 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 आपको प्रैक्टिस करना है, उसके क्वेश्चन पक्के कर लो, स्कैनर क्वेश्चन बन गई भाड़ में, सिंपल सी बात है। RTP MTP पता नहीं कौन महान लोग है, इतने सारे अटेम्प्ट की RTP MTP देखने लग जाते हैं, और टीचर्स लोग डालते भी है अपने क्वेश्चन बैंक में कि हमारे में 2012 से लेकर के 2008 से लेकर के 2005 से लेकर के क्वेश्चंस कवर्ड है। भाई लिमिटेड कंटेंट को बार 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 करोगे ना, कोई नहीं रोक सकते आप लोगों को CA इंटर क्रैक करने से। तो RTP MTP आपको खाली लेटेस्ट करनी है, नवंबर 24 वाली, मैं बोल रहा हूँ मई 24 वाली भी मत करो। आपके पास अगर सच में एक्स्ट्रा टाइम है ना तो मॉड्यूल के क्वेश्चन और RTP MTP नवंबर 24 उसको ही बार 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 करो, टाइम बच जाता है तो भी उसको बार 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 करो, कोई मतलब ही नहीं है कि आप लोग इतना सारा कंटेंट करके जाओ और एंड में डेढ़ दिन में रिवाइज ना कर पाओ। मेरा तो देखो सिंपल सादा से एक ही फंडा है, CA एग्जाम अपन ये बोल के मतलब ये करके ही क्लियर हुए, और तुमको मैं यही सलाह देता हूं क्या है ना भाई, आज लिमिटेड कंटेंट करके चलने का, डेढ़ दिन में वैसे ही लिमिटेड कंटेंट होना है। तो जो चीज डेढ़ दिन में कवर होनी नहीं है उसको आज से ही छोड़ दो, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, कितना भी इजी टॉपिक हो ना आप लोगों को तभी रिकॉल होगा अगर आप उसको 1.5 डेज में कर रहे हो। तो मटेरियल आज से ही आपको कंसाइज रखना पड़ेगा, उसको छोटे से छोटा करो मटेरियल को, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, बहुत दुख होगा अगर आज आपने सब कुछ कवर कर लिया और डेढ़ दिन में नहीं कवर कर, डेढ़ दिन में अगर नहीं कवर कर पाए, समझ लो मेरी बात को। तो लिमिटेड कंटेंट को रखो, लिमिटेड कंटेंट को बार 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 करो, कोई नहीं रोक सकता है आपको CA इंटर क्रैक करने से। ठीक है सर, RTP MTP भी लेटेस्ट करनी है, मई 24 की नहीं करोगे तो भी चलेगा सर, उसमें से क्वेश्चन अगर आ गया तो क्या करेंगे भाई साहब, सिंपल सादी सी बात समझो, तुम लोग सब कुछ करने जाओगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सिंपल है ना। मैंने बोला भाई साहब अगर उसमें से क्वेश्चन आ भी गया ना तो कितने मार्क का आएगा, 4 मार्क का आएगा, 5 मार्क का आएगा, लेकिन भाई मैं तुमको बोल रहा हूँ एक मिनट के लिए उसको बाजू रख के, तुमने अगर मॉड्यूल RTP MTP को पक्के से कर लिया ना नवंबर 24 वाली, तो कोई ताकत तुमको रोक नहीं सकती क्रैक करने से। लेकिन तुम इसमें टाइम दोगे किसमें, RTP MTP मई 24 उसके पहले वाली, फिर उसमें से आए ना आए क्या पता, क्या भरोसा। लेकिन भाई मॉड्यूल RTP MTP लेटेस्ट उनको पास कराने वाले, मैं बोल रहा हूँ बस कंटेंट को क्या करो, मिनिमम करने की कोशिश करो, कंटेंट को कम से कम करने की कोशिश करो, उसके बाद ICAI मेथड के हिसाब से ही आप लोगों को आंसर देना है। ICAI मार्क्स नहीं देगा, बाद में इतने सारे बच्चे रोते हैं ना कि सर ये रहा हमारा सजेस्टेड, ये रही हमारे टीचर की रेफरेंस बुक, हमको मार्क्स क्यों नहीं मिले, तंबूरे से मार्क्स मिलेंगे तुमको। ICAI आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, उसको ICAI मॉड्यूल की मेथड ही चाहिए। तो मेहरबानी करके अपने जो भी टीचर है उसको एक बार चेक कर लेना और ICAI मॉड्यूल के मेथड के हिसाब से मैच करवा लेना। अब आपको लग रहा होगा कि मैं यार इधर अच्छी बात नहीं कर रहा हूं, आपके टीचर की बुराई कर रहा हूं, मैंने बोला ऐसा नहीं है, मैं किसी भी टीचर के खिलाफ नहीं हूं, बस मेथड को चेक कर लेना, आपका टीचर बहुत अच्छा है अगर ICAI मॉड्यूल के मेथड के हिसाब से आंसर दिखा रहा है, क्योंकि मेरी बात कड़वी लगेगी पर भाई जो सच है वो सच है। ICAI आपको कब मार्क्स देगा, मेरा एम क्या है आपको पास कराना भाई, मेरा एम है आपको क्रैक करवाना, और ICAI आपको कब मार्क्स देगा जब आपका मेथड बराबर होगा, इंटर में भी फाइनल में भी यही चलता है और यही चलेगा सालों साल। ठीक है, मैंने बोला कोई ऑल्टरनेटिव मेथड नहीं चलती, ICAI मॉड्यूल में जो मेथड है वही फॉलो करनी पड़ेगी, यही कटू सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग को किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है ना एग्जाम में तो क्वेश्चन को ब्लैंक मत छोड़ के आना, ब्लैंक पेज इज अ सुसाइड नोट, क्या लिख के आओगे, खाली फॉर्मूला लिख के आ जाना, शायद वो दया भावना से एक मार्क दे दे तो दे दे। ठीक है सर, हाँ सर, क्या फॉर्मूला लिखने से पक्का पक्का मार्क्स मिलेंगे, मैंने बोला भाई बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, वो जो उनका मॉडल सोल्यूशन होता है ना, पता है तुम लोग को जो देते हैं वो सजेस्टेड आंसर होता है, एक्चुअली में एग्जामिनर के पास मॉडल सोल्यूशन होता है, तो उसमें किसी आंसर में फॉर्मूला के मार्क्स रखे हुए होते हैं एक दो, किसी में नहीं रखे हुए होते,
ठीक है, पर अपन क्या करेंगे सेफ्टी साइड पे लिख के आ जाएंगे, कुछ नहीं लिखने से तो कुछ लिखना बेहतर है ना सर। तो दया भावना में हो सकता है एक मार्क दे दे, क्योंकि तुमको पता है एक मार्क कितना कीमती होता है, 39 और 40 के बीच का डिफरेंस तुम भी जानते हो अच्छी तरीके से। उसके बाद ये लोग पागल है जो पेपर चेक करते हैं ना, वो लोग ऐसा ऊपर ऊपर से चेक करते हैं, क्योंकि उनको स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉपी मिलती है कि भाई आज तुमको इतनी कॉपी चेक करनी करनी है। वो लोग पैसों के लिए करते हैं ठीक है, तो वो लोग फटाफट चेक करते हैं, उनकी नजर जो है ना नजर वो लोग को एकदम तुमको बताने, उसको मार्क करवाने। तो जो भी आपका फाइनल आंसर है वो क्या लिखना है आपको, बॉक्स के अंदर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा 1 लाख आया फाइनल आंसर, तो मैं 1 लाख को बॉक्स में लिखूंगा, समझ रहे हो मेरी बात मैंने बोला, हाँ, ताकि उसको एकदम दिख जाना चाहिए कि हाँ 1 लाख है बराबर, नहीं तो उसके नजरों से स्किप हो जाता है ठीक है सर, मैंने बोल दिया हाँ। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग काफी लोगों को टेक्निकल लगता है, और सच में टेक्निकल है, तो उसको लास्ट में रखना। ऐसा मत करना कि उसको अभी उठा लिया और उस चक्कर में अपने 2-3 दिन पूरे बिगड़ गए, तो सर लास्ट में रखना होता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ते हुए चलना। 1-2 चैप्टर आपने छोड़ भी दिया ना तो कुछ नहीं होता, मैं आपको सिंपल से बोलता हूँ। लिमिटेड कॉन्टेंट को बार 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 करना है। मैं भी सीए इंटर कॉस्टिंग में एग्जामिशन ला चुका हूँ, क्या मैंने 100% सिलेबस किया था, मैंने बोला नहीं सर, मैंने भी आराम से 2-3 चैप्टर पूरे पूरे छोड़ दिए थे। कितने चैप्टर सर, 2-3 पूरे पूरे चैप्टर छोड़ दिए थे, पूरे पूरे चैप्टर, यानी इसको टच भी नहीं किया था, तो भी एग्जामिशन कैसे आया भाई, सिंपल साधा सा फंडा है। लिमिटेड कॉन्टेंट को बार 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 करो, जरूरी नहीं आप 100% सिलेबस करो, जरूरी नहीं है, लेकिन जितना कर रहे हो उसको अच्छे से करो। उसके बाद अगला पॉइंट में आता है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वर्सेस रट्टाफिकेशन। सर क्या करें, कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझे या तो फिर रट्टा लगाए। मैंने बोला देखो सर सिंपल सी बात मैं आपको करता हूँ, जिधर तुम लोग कंसेप्चुअली चीजों को समझ पा रहे हो ना, वो बेस्ट है तुम लोग कंसेप्चुअली ही चीजों को समझो, क्योंकि पेपर क्या हो गया बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल हो गया है। लेकिन क्योंकि आपके एग्जाम में कम टाइम बाकी है ना, तो जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही है और रट्टाफिकेशन से हो रही है ना, तो उधर रट्टाफिकेशन चलाओ। अब ये चीज बोलना गलत है, लेकिन मैंने बोला देखो सर आपको एग्जाम ओरिएंटेड भी पढ़ना पड़ेगा, तो आपको ज्ञान लेना है वो आप एग्जाम के बाद ले लेना ठीक है। तो प्रैक्टिकल दुनिया है और थ्योरेटिकल अपनी दुनिया है एग्जाम वाली, उसमें जमीन आसमान का अंतर है सर, जमीन आसमान का अंतर है। ये अभी तुमको नहीं पता चलेगा, आर्टिकल शिफ्ट करने जाओगे ना तब तुमको पता चलेगा, मेरी बात समझ रहे हो, मैंने बोला हाँ सर। तो जो चीज कंसेप्चुअली समझ रहे हो अच्छी बात है, और जो चीज तुमको समझने का टाइम नहीं है ना अभी बहुत ज्यादा, क्योंकि टाइम नहीं आपके एग्जाम में, तो रट्टाफिकेशन से भी हो रही हो ना, तो वो चीज को करते हुए आगे बढ़ो। अभी अपना मेन मकसद क्या है, एग्जाम में मार्क्स स्कोर करना। फॉर्मूला अगर तुम रट पा रहे हो और तुमको हो रहा है तो भाई वो भी चलेगा, अभी मकसद क्या है बस मार्क्स अपने को स्कोर करना है। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें तुम्हारी कमेंट मांगेगा, कमेंट मांगेगा मतलब कि पहले कैलकुलेशन का पार्ट होगा, उसके बाद वो बोलेगा कि चल भाई तू कमेंट दे इस पे। तो मैंने बोला भाई बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, क्या गलती करते हैं ना, कि वो वाला पार्ट देखते ही नहीं, बस कैलकुलेशन करके आ जाते हैं। तो मेहरबानी करके वो कमेंट वाला पार्ट देख के आना, कमेंट वाला पार्ट को अच्छे से लिख के आना ठीक है सर। 2-3 लाइन लिखनी, उसमें ज्यादा कोई डीप में नहीं लिखना है, ये कोई ऑडिट का FMSM का पेपर नहीं है, डीप में नहीं लिखना है थ्योरी, जैसे 2-3 लाइन में उसको कमेंट देख के आना, तो वो भी खुश हो जाएगा देखना कि कौन से क्वेश्चन में बोल रहा है कमेंट वाले लाइन। क्योंकि फिर बच्चे क्या बोलते हैं ना, देखो सर हमारा मैच हो रहा है आंसर तो मार्क्स मिले, अब तंबूरे के मार्क्स मिलेंगे तेरे को, कमेंट लिख के आना। अगर बोल रहा है क्वेश्चन में कमेंट तो भाई कमेंट लिख के आना तू ठीक है। हाँ सर, उसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन वो तुम छोड़ सकते हो, लेकिन अगर किसी टीचर के तुमको शॉर्ट नोट्स मिल जाए, चार्ट्स मिल जाए तो उसको अच्छे से कर लेना ठीक है सर। हाँ सर, लेकिन सर थ्योरी का कैसे है ना, वो किसी भी चैप्टर से आ सकती है, तो बहुत अनसर्टेन है कि भाई किस चैप्टर से आ रही है, तो उसको छोड़ सकते हो। लेकिन जैसे कि कोई स्पेशल जैसे कि इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर, वो तो पता ही भाई थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो उसको भाई अच्छे से कर लेना, कोई चार्ट्स वार्ट्स शॉर्ट नोट्स मिले तो ठीक है सर। हाँ सर, बाकी सम्स को तुम पक्का करो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को बाजू में रख सकते हो, उसको एंड में रख सकते हो। उसके बाद रिटर्न रिविजन करने का टाइम गया, खाली स्क्रिबल करते जाना सर। स्क्रिबल क्या होता है, रफली सॉल्व करो ठीक है सर, एकदम रिटर्न रिविजन में लोग क्या करते हैं ना, एक एक चीज पूरी मतलब लिख के करते हैं। मैंने बोला नहीं सर, इधर खाली रफली आप एक रफ नोटबुक लो, उसमें ऐसा ऊपर ऊपर से लिख के फटाफट से ऐसा रफली सॉल्व करो। उसके बाद पता है बहुत सारे लोग पर्टिकुलर्स ऐसा पूरा लिखने बैठते हैं, पर्टिकुलर्स फिर ऐसा स्केल से लाइन खींचते हैं, रुपीज ऐसा, भाई कुछ लिखने की जरूरत नहीं है भाई, लाइन भी मत बनाओ ऊपर पर्टिकुलर्स में, मतलब बस रुपीज लिखो चालू हो जाओ, रुपीज लिखो चालू हो जाओ, तुम समझ रहे हो, यानी पर्टिकुलर्स की हेडिंग डालने की कोई जरूरत नहीं, अंदर पर्टिकुलर्स तुम लिखो जो भी है ना आइटम ठीक है। मैंने बोला हाँ, और रुपीज का बस सिंबल बना के चालू कर दो कि भाई ऐसा जो भी अपना रुपीस का सिंबल होता है ना बस। और बहुत सारे लोग ऐसे जो लाइन खींचने बैठते हैं, लाइन भी तुमको खींचने की कोनो जरूरत नहीं है, ऐसा वो पर्टिकुलर्स के बाजू में लाइन खींचते हैं ना बस, सिंपल सादी सी बात है। बेसिक्स को पकड़ के रखो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को बाजू में रखो, मॉड्यूल को भाई घटक लो, मॉड्यूल को घटक लो। कुछ लोग क्या बोलते हैं ना सर, मॉड्यूल में बहुत लिमिटेड सम्स है, लिमिटेड सम्स है भाई, लिमिटेड सम्स को ही बार 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 करो, ब्रूस ली को याद करो और एग्जाम बढ़िया तरीके से तुम्हारी जाएगी ठीक है सर। लाइक कर देना और नीचे कमेंट में बताना कि अगला तुमको कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए बैठा हूं। चलो सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट।